हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रवीना रसोई में स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिना चीनी और बिना मैदे से हेल्दी केक। देखिए कितना स्पंजी और केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। देखिए कितना स्पंजी है। और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए क्या क्या सामान की ज़रूरत है हमें। मैंने एक कटोरी शक्कर लिया है, ये चाय वाला गुड़ है, आप सिंपल गुड़ भी ले सकते हैं। एक कटोरी बटर मेल्ट करके लिया है और एक कटोरी हमने दही लिया है। ध्यान रखें जिस कटोरी से हमने गुड़ को लिया है उसी कटोरी से हम सब मेजरमेंट करेंगे, वरना हमारा केक ख़राब हो जाएगा। एक कटोरी से मेजरमेंट रखेंगे केक का और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। एक कटोरी हमने गुड़ लिया है, एक कटोरी हमने घी लिया है और आप एक कटोरी ही दही लिया है और एक कटोरी ही आटा लेंगे। ये केक हम आटे से बनाएंगे और कोई भी नहीं बता सकता ये केक आटे का है। ये चाय वाला गुड़ मैंने लिया था, आप सिंपल गुड़ भी ले सकते हैं। तब तक हमारा आटा तैयार करेंगे। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ली, उसमें नमक गर्म करने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा बैटर तैयार करेंगे ये गर्म हो जाएगा और इसको ढक देंगे। दूसरी तरफ मैंने एक कटोरी आटा लिया था और दो कप अब हम कॉफ़ी पाउडर लेंगे और एक पाउच मिल्क का शेशे लेंगे, इसमें 2 ही चम्मच आते हैं। और ये बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर आधी आधी चम्मच डालेंगे। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और छान लेंगे। छानना ज़रूरी है क्योंकि इसमें सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी छानने से। चलिए छान लेते हैं इसको और इतना अच्छा केक हमारा बनकर तैयार होगा, आप बेकरी को भूल जाएंगे। देखिए मैंने छान लिया है और दूसरी तरफ जो हमने बैटर तैयार किया था अब उसमें हम डाल लेंगे। हमें एक साथ नहीं डालना है, ध्यान रखें, नहीं तो हमारे केक में लम्स पड़ जाएंगे। आधा आधा करके और धीरे धीरे करके डालना है। पहले आधा डालेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर से हम इसको बचे हुए बैटर को डालेंगे। देखिए आटे को, बचे हुए आटे को, और अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा बैटर गाढ़ा लग रहा था, इसमें हम थोड़ा दूध डालेंगे। देखिए इस तरह थोड़ा दूध डाल के हम इसको फिर मिक्स करेंगे और हमें इस तरह का कुछ बैटर चाहिए। देखिए कितना अच्छा इस तरह का हमें बैटर रखना है। मैंने चार कटोरी ली है और इनको घी से ग्रेस कर लेंगे, तेल से भी कर सकते हैं। और इनमें हम हाफ हाफ बैटर डालेंगे, थोड़ा खाली रखेंगे, इनको पूरा नहीं भरेंगे। आप एक बार आपके घर पे एक बार बना लेंगे तो बेकरी जाएंगे नहीं, अपना इतना अच्छा घर पे केक बनता है ना, देखना आप इस तरह से ट्राई ज़रूर करना। और ये हेल्दी केक भी है बच्चों के लिए, आप टिफ़िन में भी बना सकते हैं बच्चों के लिए। मैंने 6 कटोरियाँ भर ली है और अब इनको हम जो नमक गर्म किया था अब उसमें रख देंगे बारी बारी से। 6 कटोरी को 6 कटोरी भरी थी। आप केक टिन भी ले सकते हैं, आप केक टिन में भी बैटर डाल के बना सकते हैं। मैंने कटोरी में बनाया है और मैंने 6 कटोरियाँ ली थी। अब इनको हम बारी बारी से रख देंगे और रखने के बाद देखिए इस तरह से इनको एडजस्ट कर देंगे अच्छे से और इनको ढक देंगे 30-35 मिनट के लिए। देखिए अब 30-35 मिनट के बाद देखेंगे तो हमारा केक रेडी है, चॉकलेटी केक। नाइफ़ डाल के देखेंगे, देखिए कितना साफ नाइफ आया है। अब हम इनको निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा केक रेडी हुआ है। देखिए कितना स्पंजी केक रेडी हुआ है और मैं आपको हाथ तोड़ के भी दिखाऊंगी कितना हल्का फुल्का केक बनकर हमारा तैयार हुआ। देखिए बच्चे एक बार खाएंगे, ज़रूर बच्चों को खिलाए हेल्दी केक। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।